तो है वेलकम बैक गाइस, मैं हूं विनोद और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आई होप के आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यहां पे जो अडोबे फोटोशॉप कैमरा रो का प्रीसेट है उसके बारे में। यहां पे जो प्रीसेट का जो पैक है जो है उस 500 से भी ज्यादा प्रीसेट है, तो उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। जो 500 उसमें प्रीसेट है वो पैक है पूरा। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हर प्रीसेट है वो हमारे इमेज के हिसाब से परफेक्ट नहीं बैठती है, तो उसके लिए मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि जो प्रीसेट है वो आप उसको कैसे सेट कर सकते हो, उसमें जो चेंजिंग है वो किस तरह से चेंजिंग कर सकते हो। जो प्रीसेट है उसको भी हमें मॉडिफाई करना पड़ता है क्योंकि हर प्रीसेट हमारी इमेज के हिसाब से परफेक्ट नहीं बैठती है। प्रीसेट है वो पैक है पूरा, तो उस वो बिल्कुल ही आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना और जरा सा भी स्किप मत करना क्योंकि उसके अंदर एक पासवर्ड दिया गया हुआ है जो उसकी मदद से आप इस जिप फाइल को ओपन कर सकते हो और जो 500 से भी ज़्यादा प्रीसेट है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने इमेज के अंदर। तो उसमें कुछ 500 जो प्रीसेट है पैक है पूरा वो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे रखा है और इस जिप फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है बिल्कुल ही। इसको इंस्टॉल कहाँ पे करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो रेड बटन आता होगा उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइबर कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दे ताकि अगली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त जाया किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं सिंपल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप तो ये प्रीसेट मैंने एक्सट्रैक्ट अभी ये फोल्डर कर लिया है। तो 500 उसमें जो प्रीसेट है वेडिंग प्रीसेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको क्या करना है, बस यहाँ से आपको ऑल सिलेक्ट कर लेना है और इसको इंस्टॉल कहाँ पे करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके हमें जो है कॉपी कर लेना है बिल्कुल, और बिल्कुल इसको क्लोज कर देना है इस फाइल को। और बिल्कुल ही हमारा जो यहाँ माई कंप्यूटर है उसके अंदर आपको बिल्कुल ही चले जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है ध्यान से देखिए दोस्तों कि यहाँ पे आपको लिखा होगा यहाँ पे, तो उसके अंदर आपको व्यू में चले जाना है और इसके अंदर यहाँ पे हाइड आइटम लिखा हुआ उसको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो सी ड्राइव है हमारी उसके अंदर आपको जाना है और उसके अंदर यहाँ पे फोल्डर दिखाई देगा आपको यूज़र नेम, तो यूज़र है वो फोल्डर है उसके अंदर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है और उसके अंदर आपका जो भी पीसी का नेम होगा वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो उसके लिए बस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो जाना है यहाँ पे जो फोल्डर आ रहा है ऐप डेटा के अंदर जो रोमिंग नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके अंदर दो बार क्लिक करके यहाँ पे लिखा होगा अडोबे, तो अडोबे में हम जाएंगे और उसके बाद है जो कैमरा रो का हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे फोल्डर दिखाई दे रहा है जो कैमरा रो के अंदर प्रीसेट है वो भी उसके अंदर ही होगी और आप जो भी इनपुट करोगे नई प्रीसेट जो कैमरा रो का जो फोल्डर है यहाँ पे तो उसके अंदर यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, तो बिल्कुल उसके अंदर आप ओपन करोगे कैमरा रो तो उसके अंदर ये देखिए यहाँ पे सेटिंग नाम का जो फोल्डर दिखाई दे रहा है उसके अंदर आपको दो बार क्लिक करके और बिल्कुल ही आपको यहाँ जो भी अपने वहाँ से कॉपी की फाइल है उसको आपको यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ऑलरेडी मैंने प्रीसेट थी हमारी वो हमने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे भी पेस्ट है। यहाँ पे जो मैंने ओपन कर लिया है तो अडोबे हमारा फोटोशॉप 2021 है के अंदर ये फोटो मैं ले लेता हूँ अडोबे फोटोशॉप के अंदर और दिखा देता हूँ आपको जो प्रीसेट है वो यूज़ करके। तो चलिए बिल्कुल ही मैंने ये तो यहाँ पे मैंने फोटोशॉप के अंदर ले लिया एक ड्रैगन रोप करके जो एक इमेज है, तो उसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ अप्लाई करके जो प्रीसेट है हमारी उसका जो लुक है वो किस तरह से दिखाई देता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको बस चले जाना है फिल्टर के अंदर कैमरा रो फिल्टर, तो उस पर सिंपल आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो चलिए इसको भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से इमेज बिल्कुल ही हमारा कैमरा रो ओपन हो गया है फिल्टर
तो उसके अंदर आपको जाना है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा 500 प्रीसेट था वो यहाँ पे शो हो रहा है, जो 500 वेडिंग प्रीसेट था वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपली यहाँ से हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से बहुत सारी जो 500 है, जो प्रीसेट है वो यहाँ पे देखिए, तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हमारे फोटो के अंदर जो अप्लाई हो रही है देखिए। तो ये क्या होता है कि हर इमेज पे जो परफेक्ट नहीं बैठती दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि कोई कहीं जो प्रीसेट है वो हमारी इमेज पे परफेक्ट वर्क नहीं करती, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी प्रीसेट है उसमें आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो उस वो भी मैं दिखा देता हूँ कि आपको चेंज कहाँ से करना है, क्लिक करना है, और जो भी उसके अंदर आप चेंजिंग करना चाहते हो तो वो भी आप बिल्कुल ही कर सकते हो, अपने हिसाब से जो अपनी इमेज है उसकी हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो चलिए ये उसके लिए आपको बस सिंपल यहाँ चले जाना है जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसके अंदर, तो यहाँ पे जो बेसिक है वो सभी खुल गए हैं। तो उसके आप अगर आपको लगता है कोई ज़्यादा यहाँ पे कलर टोन आ रहा है तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। थोड़ा मैं इसको कम कर लेता हूँ ताकि जो इमेज पे ज़्यादा टोन आ रहा है, जो कलर टोन ज़्यादा आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, और जो हमारा शैडो है वो भी मैं यहाँ थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रही है इस पे। तो हर इमेज पे आप ऐसा नहीं है कि हर इमेज पे परफेक्ट ही आ जाएगी, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत चेंजिंग करना पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा कोई भी अगर को कलर टोन ज़्यादा आ रहा है या तो आपका शैडो ज़्यादा है, जो इमेज के हिसाब से आपको सेट करना होगा, तो यहाँ से बिल्कुल ही आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, और उसके अंदर जो भी चेंजिंग करना चाहते हो वो भी यहाँ से आप बिल्कुल ही कर सकते हो। तो ये हमारा, तो यहाँ से भी आप ज़्यादा अगर लाइट आ रही है तो देखिए, अगर ज़्यादा लाइट आ रही है तो इस यहाँ से भी आप कम कर सकते हो देखिए। तो देखिए और इसको भी थोड़ा हम, वो भी आप कलर ग्रेडियंट है वो भी आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो, जो अपनी इमेज है उसके हिसाब से। तो यहाँ से अगर आपको लगता है ज़्यादा लाइट आ रही है तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये कुछ 500 प्रीसेट है, तो ये पैक आप पूरा डाउनलोड कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि और भी आपको कहीं से प्रीसेट डाउनलोड करना पड़े। तो ये बहुत ही ज़्यादा है और इसमें बहुत सारे प्रीसेट है, उसमें जो अलग अलग पार्ट में दिए गया हुआ है, या सिनेमेटिक है, जो वेडिंग इमेज है उसके अंदर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी भी इमेज को सिनेमेटिक लुक देना चाहते हो तो वो भी है यहाँ पे, देख लीजिए मैं कुछ अप्लाई करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह सी है, सिनेमेटिक भी है, और वेडिंग का अगर आपके पास कुछ वेडिंग का भी इमेज है तो वो भी यहाँ पे उसका भी प्रीसेट दिया गया हो, तो अपने हिसाब से बहुत सारी यहाँ पे प्रीसेट है जो ये 500 से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ये 500 जो प्रीसेट है वो डाउनलोड करना चाहते तो बिल्कुल ही आप डाउनलोड कर सकते हो और बिल्कुल ही फ्री में है। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, और मिलेंगे हम एक ऐसी मज़ेदार न्यू वीडियो के साथ। और तब तक थैंक यू और बाय बाय, हैवी नाइस डे गाइस।